नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। आज फिर आमने सामने होंगे भारत और चीन के कमांडर, सीमा पर तनाव को लेकर होगी चर्चा, क्योंकि आए दिन चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं और भारतीय सैनिक उन्हें पकड़ भी लेते हैं, लेकिन फिर ऐसी नीति और नियम लागू हैं जिनकी वजह से उनके सैनिकों को छोड़ना पड़ता है। इसी चर्चे को लेकर, इसी बात को लेकर आज चीन और भारत के कमांडर आमने सामने। अभी हम आपको जोड़ रहे हैं एलएसी से और दिखाते हैं कि इस समय क्या वार्तालाप हो रही है दोनों कमांडरों के बीच, क्योंकि बातचीत का कोई हल नहीं निकला है अभी तक एलएसी में, क्योंकि कई तौर पर बातचीतें हो चुकी हैं, कई तौर पर कमांडर स्तर की बातें हो चुकी हैं, लेकिन जो बात भारत चाह रहा था वो बात नहीं बनी है। बता दूं आपको, जिस तरह से आज फिर भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे, इससे पहले दोनों के बीच 6 नवंबर को मुलाकात हुई थी। बता दें कि सीमा पर दोनों ही देशों में 50-50 यानी 50,000 सैनिक तैनात किए हुए हैं और तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। जहां पर चीन अपने जवानों को तैनात कर रखा है, वहीं पर भारत ने भी अपने हजारों जवानों को तैनात कर रखा है, यानी कि मुंहतोड़ जवाब देने के वक्त हमारे पास जवान कम नहीं होंगे। लेकिन इससे हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि दोनों देश समृद्ध और शक्तिशाली देश हैं, अगर आपस में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान दोनों देशों के होने वाला है। जिस तरह से बता दूं आपको, आज फिर भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर की एक साथ बैठकर बातचीत करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। तनाव बढ़ने पर दोनों देशों ने सीमा पर टैंक और हथियार भी तैनात कर दिए हैं। बता दूं, करीब 2.5 महीने के बाद आज रविवार को फिर से भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे। ये बातचीत लद्दाख में एलएसी पर तनाव को लेकर होगी, जहां मई 2020 से ही हजारों सैनिक आमने सामने हैं। एक्सआईबी कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन और दक्षिण सीजियांग मिलिट्री क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन के बीच ये बैठक होगी। दोनों मिलिट्री कमांडर के बीच की यह बैठक एलएसी के पास चीन की तरफ के हिस्से में चुसुल में होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक भारत की तरफ से चीन को भेजे गए मेमो और आए जवाब के बाद दी जा रही है। अभी सीमा के दोनों तरफ करीब 50,000 जवान तैनात हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कोई अनहोनी ना हो। भारत ने हाल ही में 2 चीनी सैनिकों को सीमा पार पहुंचाया है, जो रास्ता भटक कर सीमा लांग गए थे। कुछ सैनिक जो पकड़े गए हैं वो ये कहते हैं कि हम कुछ लोग की भेड़ बकरियां खो गई थी, जिनको ढूंढने के बहाने घना कोहरा होने की वजह से हम रास्ता भटक गए थे, जिससे कि हम भारतीय सीमा में चले आए। लेकिन भारत के जवानों ने भी उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई, बल्कि 2-3 दिन पूछताछ के बाद उन्हें अपने वतन वापस लौटा दिया गया। बता दूं, विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी रविवार को होने वाली इस बैठक में हिस्सा लेगा। साथ ही विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे पहले मिलिट्री कमांडर्स के बीच 6 नवंबर को मुलाकात हुई थी, वहीं दोनों देशों के बीच आखिरी डिप्लोमेटिक बातचीत 18 दिसंबर को हुई थी। मई में तनाव शुरू होने के बाद चीन सेना एलएसी से करीब 8 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी और पूर्वी लद्दाख में कई जगह तंबू भी लगा लिए थे। भारत की ओर से विरोध के बावजूद चीनी सेना पीछे नहीं हटी और दोनों ही देशों की सेनाओं ने अतिरिक्त सैन्य बल सीमा पर तैनात कर दिया। साथ ही टैंक, आर्टिलरी और हवाई हमला करने की भी पूरी तैयारी सीमा पर होने लगी है, जहां पर भारत भी टैंक, तोपों के साथ और लड़ाकू विमानों के साथ एलएसी पर तैयार है। वही हाल चीन का भी है, चीन भी अपने युद्धक विमान के साथ एलएसी पर डटा हुआ है। पिछले साल अगस्त में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को चौंका दिया था, जब पेंगोंग तसो के दक्षिण किनारे पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सैनिक गुरुंग हिल, मगर हिल, मुखमरी, रेचिनला और रेजंगला में भी अपना दबदबा कायम करने में सफल रहे।
वहीं भारतीय सेना पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारों पर भी अपनी पोजीशन वापस पाने में सफल रहे। बता दें कि खबर आई थी कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। जिस तरह से कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि भारतीय सेना एलएसी में लद्दाख में उन चोटियों पर पहुंच गई है जहां पर पहुंचने के बाद वो चीन सेना की हर एक मूवमेंट की खबर ले सकती है, और उस चोटी पर पहुंचने के लिए चीन ने बड़ी चालें चली थी, लेकिन चीन की हर चाल कह सकते हैं नाकाम रही है। चीन अपने सैनिकों को गुपचुप तरीके से पहुंचाने का कार्य कर रहा था, लेकिन उसके सैनिक वहां तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि भारतीय जवान पहले से वहां पे कब्जा कर चुके थे। जिस तरह से बातचीत को लेकर बात करें तो अभी तक सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं कि बातचीत से चीन मान सकता है, लेकिन ऐसा मुश्किल भी है क्योंकि अभी तक कई तौर पर बातचीत हो चुकी है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, और हमारे 20 जवान भी इसी बातचीत के चलते शहीद हो गए हैं। चीन के भी कई सैनिक इसी बातचीत के चलते मारे गए हैं। तो स्पष्ट है कि चीन और भारत के कमांडरों की बैठक ये कोई नई बैठक नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई बैठक हो चुकी हैं, लेकिन एलएसी पर तनाव अभी भी बरकरार है, अभी भी जारी है। हमारे जवान भी टैंक, तोप और युद्धक विमान के साथ एलएसी पर डटे हुए हैं, तो चीन के भी जवान पीछे नहीं मुड़ रहे हैं, चीन के जवान भी लगातार डटे हुए हैं। इसीलिए कोर कमांडर स्तर की बातें हो रही हैं, इसीलिए बड़े बड़े नेता मंत्री भी परेशान हैं कि युद्ध ना हो, यही बेहतर उपाय है। और चीन ने हमारे जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था, भारत ने उन सब लगभग कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों पर अपना कब्जा वापस ले लिया है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखिए, और जय हिंद तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि आज चीन भी नतमस्तक हो चुका है भारत से बातचीत करने के लिए, चीन भी डर चुका है हमारी तैयारियों को देखकर। तो आज कह सकते हैं कि आज की मीटिंग कहीं ना कहीं भारतीय जवानों के उस जज्बात को दिखाती है जो आज कड़ाके की ठंड में सीमा पर डटे हुए हैं। तो जिस तरह से पिछले साल अगस्त में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को एकदम से चौंका दिया था, क्योंकि हमारे जवान पहुंच गए थे ऊंची चोटियों पर और पेंगोंग झील के दक्षिणी एरिया पर अपना पूरा हक जमा लिया था। जिस तरह से भारतीय सैनिक गुरुंग हिल, मगर हिल, मुखपरी, रेचिनला और रेजिंगला में भी अपना दबदबा कायम करने में सफल रहे, वहीं भारतीय सेना पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारों पर भी अपनी पोजीशन वापस पाने में सफल रहे, तो ये खबर आज ये भी स्पष्ट हो चुका है कि दोनों सेनाओं के बीच में फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से आज ये कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। तो बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।